आज इस कढ़ाई का शुभारंभ है जी। शुभारंभ जो है ना वो शुभ सब्जी से करते हैं, और शुभ सब्जी का नाम है जमीकंद। और जमीकंद क्यों शुभ होता है और वो सब्जी कैसे बनती है, इसके लिए वापस आइए फिर। हाँ, कॉलिंग एंड एक्शन। भाई नई नई कढ़ाई है तो नई कढ़ाई को सीजन करने के लिए ये सरसों का तेल। अब लगे हाथ कढ़ाई की सीजनिंग भी सीख जाएंगे ना आप। ये ऐसे गरम गरम कढ़ाई में सरसों का तेल लगा लेना अच्छे से। इसके बाद डालना है इसमें नमक। और ये नमक अच्छे से लगा देना है कढ़ाई पे। ये वो रेसिपी है ना, मुझे लगा यार एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, कोई ना कोई तो बनाता होगा, क्योंकि हर कायस्थ घर में दिवाली पे रेसिपी बनती ही बनती है। तो मैंने अपने दो दोस्तों को फ़ोन किया और बोला भैया दिवाली पे वो बनाते हैं क्या, तो दोनों ने बोला नहीं वो तो मम्मी बनाती हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार कि मतलब अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो अगर कायस्थ घरों पे दिवाली में जमीकंद या सूरन बनना बंद हो जाए तो फिर पूरा फ्यूचर ही ख़राब है ना हमारा। इसलिए मैंने कहा चलो अब तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो इस बार दिवाली पे ये रेसिपी आपके घर पे बननी चाहिए जी। लक्ष्मी पूजन में बड़ा शुभ माना जाता है सूरन, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देखिए ये जमीकंद जो है इसमें ये आईज हैं, देखिए आईज आँखें हैं। और ये कहते हैं कि जमीकंद कभी मरता नहीं है, ये हर आँख में इतना पोटेंशियल है कि वहाँ से पूरा पौधा निकल सकता है। तो जैसे घर की लक्ष्मी होती है ना कि घर पे पैसा जो है कभी ख़त्म ना हो, थोड़े से पैसे से बहुत पैसा बन जाता है, तो उसी तरह जमीकंद भी थोड़ा सा भी रह जाए तो बहुत बड़ा बनने का पोटेंशियल है उसके अंदर। और इसीलिए लक्ष्मी जी और जमीकंद या सूरन का कनेक्शन जो है वो बहुत पुराना है। तो इस बार दिवाली पे लक्ष्मी पूजन पे आप ऐसे मत बोलिएगा कि वो तो मम्मी बनाएंगी, बनाइएगा। चलिए ये देखिए सारा मैला भी निकल गया, अच्छे से साफ भी हो गई और तेल से कोट भी हो गया। तो इस तरह नई कढ़ाई को करते हैं सीजन, देख रहे हैं पूरा साफ कर दिया नमक ने। बस अब पानी से धोना है इसको। अब देखिए हो गई ना एकदम नई कढ़ाई जैसी चमक। तो भाई अब ये है जमीकंद, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम करना है जमीकंद काटते समय कि भाई थोड़ा तेल लगा लेना है हाथों में, उसके बाद जमीकंद के कर लेने हैं टुकड़े। तेल क्यों लगाना है, थोड़ी खुजली होती है कई बारी तो उससे बचने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको कर लेना है पील। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आज सबको लंच में जमीकंद ही खाना है, इसलिए मेरे को इतना सारा दे दिया। ये जमीकंद जो है ना वैसी वाली सब्जी है, मतलब लव इट और हेट इट, इसीलिए ज़्यादातर कायस्थ बच्चे अब बनाते नहीं इसको दिवाली पे, मम्मी से पूछते हैं रेसिपी। मीटीनेस अगर आपको देखनी है तो जमीकंद की देखिए साहब, और ये मीटीनेस निकालने का जो एक्सपर्टीज है ये जो कायस्थों के पास है वो किसी के पास नहीं है, चाहे कटहल हो, जमीकंद हो, कच्चा केला हो। ओए होए होए कटहल, मैं तो बोलता हूँ आपको कटहल की सब्जी खानी है ना तो कोई जौहरी, सक्सेना, श्रीवास्तव उनके घर पे खाइए। हम जब लखनऊ में रहते थे हमारे पड़ोसी थे श्रीवास्तव जी, उनके घर पे हर दिवाली में ये बनती थी सब्जी साहब, बगैर अदरक लहसुन के। और क्या बनती थी, हमारे घर में कभी नहीं बना जमीकंद कभी। आज भी मम्मी को आप बोल दो मम्मी जमीकंद बनाओ, मम्मी बोलेंगी हैं जमीकंद थोड़ी ना खाते हैं। लेकिन जब ये खाया ना हम, एटलीस्ट घर की जो सब्जी थी वो दिल में घर कर गई। तो उसकी वजह से ये जमीकंद का प्रोग्राम आज चल रहा है। और इसीलिए दुख होता है जब लोग कहते हैं कि अरे अभी हम दिवाली पे कहाँ बनाते हैं जमीकंद,
यार रणवीर अब कौन बनाता है जमीकंद, मम्मी से पूछनी पड़ेगी रेसिपी, मुझे बड़ा दुख होता है। हेलो जी, इसमें डाल दिया इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। इसका मज़ा जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल में ही है। अब क्या करना है, पहले इसको तल लेना है, ठीक है। तलने के बाद बहुत ही सिंपल है, सब्जी बना लेनी है। देखिए कच्चा तेल जो होता है ना वो झाग छोड़ता है, उससे थोड़ी झाग आना और धुआं आना नेचुरल है, रिफाइंड ऑयल नहीं है वो, तो डरिएगा नहीं। अगर आप बॉयल कर रहे हैं ना इसको, तो बॉयल करते टाइम पानी में थोड़ा सिरका डाल दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर वो लोग बोलते हैं ना गले में लगता है, क्योंकि क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के, वो सिरके में घुल जाते हैं, तो इसलिए गले में नहीं लगता। कभी भी आप देखें जमीकंद बनेगा या अरवी के पत्ते की सब्जी बनेगी, तो लास्ट में थोड़ा सा नींबू डाला ही जाएगा उसमें, ताकि वो सिरका या एसिड पड़े और वो कैल्शियम ऑक्सीलेट घुल जाए। हाफ डन करना है, पूरा नहीं पकाना इसको। डन है जी। हेलो, अभी एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं और छौंक की तैयारी करते हैं, लेकिन तेल को जब धुआं छोड़ जाए तब इस्तेमाल करना है, और तब डालने पहले खड़े मसाले, काली मिर्च, छोटी इलायची और लौंग, और दूर रहना है। हाँ, मसाले छटकेंगे आपके ऊपर आएंगे, दिवाली में पटाखों से आप जले ना जले, सब्जी से जल जाएंगे, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, काली मिर्च और लौंग दोनों फटेगा। जीरा और अदरक हरी मिर्च, परफेक्ट। ताजगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा भूनना नहीं अदरक और हरी मिर्च को। मिर्च, हल्दी, धनिया, हींग और धनिया, ये चीज जो है कायस्थों में और पंजाबियों में कॉमन है, कि मीटीनेस पसंद है ना, इसलिए अदरक और धनिया ठोक के डालते हैं, और जैसे ही डाला ज़्यादा भूना नहीं उसको, तुरंत लगे हाथ दही। सरसों के तेल की जो अच्छी बात है ना वो यही है कि दही के साथ भी जाता है। घी और सरसों के तेल दोनों की खूबी यही है कि वो दही के साथ जाते ही जाते हैं। आमतौर पर हम बोलते हैं कि तेल और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन सरसों के तेल का और दही का बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन। अभी बाकी जो सुरन में कसर है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली सेम प्रोसेस है, अगर आप दही नहीं डालना चाहते, एक कटोरा हमने दही डाला है, एक कप दही डाला, अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो एक कप टमाटर का ताज़ा प्यूरे डाल दीजिए, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। नमक, पानी का छींटा, चलो जी डन। ढक्कन लगाओ और ऊपर थोड़ा पानी डालो। ये आज तक लोगों को समझ नहीं आना कि ऊपर पानी डालने से क्या होता है, कि ऐसा क्यों होता है कि पानी डालने से नीचे की सब्जी नहीं जलती। मैं बताऊं क्या होता है, जब तक इसके ऊपर पानी रहता है अंदर की भाप जो है वो कंडेंसेशन होकर वापस पानी बनकर गिरती रहती है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा ऊपर का हिस्सा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, तो जैसे ही वो भाप वापस पानी बनती है सब्जी में गिरती है, फिर पानी बनती है सब्जी में गिरती है, तो वो पानी सब्जी को नीचे लगने नहीं देता। ये फर्क है, बस प्योर साइंस। अब देखिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रोजन मटर, क्योंकि दिवाली दूर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप दिवाली पे ये बनाएं, और इसलिए मैं थोड़ा पहले बना रहा हूँ। अभी मटर आए नहीं है सीजन में, जब तक दिवाली आएगी मटर आ जाएंगे, तो प्लीज़ ताज़े मटर यूज़ कीजिएगा, और जैसे ही आप ढक्कन लगाएंगे तभी मटर डाल दीजिएगा, साथ में पक जाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा डाला पानी और बस, दो मिनट के लिए भाप बंद करके गैस स्लो कर दी, और जितना आप तेल डालेंगे ना आपको लगता है कि भाई तेल ज़्यादा हो जाएगा, सुरन जो है वो बहुत रूखा होता है, बहुत रूखा होता है, सब तेल वो पी जाएगा। देखिए सर लग रहा है क्या कि डीप फ्राइड है और ये है और वो है।
नाइस। दही की खटास है ना, इसलिए वो गले में कम लगेगा। चाहे तो थोड़ा सा नींबू और डाल दीजिए ऊपर से। तो जी, इस दिवाली पे हमारे हिंदुस्तान का ट्रेडिशन कैरी फॉरवर्ड करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना ऐसे ही होगा, धीरे 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 करके सारी पुरानी रेसिपीज जो है वो खो जाएंगी। हाँ, बाद में बच्चे जो हैं वो सिर्फ बर्गर पिज्ज़ा खाया करेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तब मैं भी बुढ़ा हो जाऊँगा, आप भी बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रणवीर ने बताया था इस दिवाली पे सूरन की सब्जी बनानी है। ठीक है जी, और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।